हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लव योर सेल्फ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बंगाली रेसिपी जिसका नाम है तेल कुई। ये रेसिपी बहुत ही यमी और टेस्टी होती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम फिश को मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक, साथ ही में डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और अभी इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। तो हमने फिश को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है, अभी इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो पहले गैस को ऑन कर लेते हैं और ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे कोई माछ को। फिश को फ्राई करने के वक्त हम चूल्हे के आग को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो अभी इसे दूसरी तरफ से हम पलट देंगे। तो देखिए ये फिश कितने अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये फिश थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा कम फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा फिश अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अभी इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के फिश को भी फ्राई कर लेंगे। तो सारे फिश को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अभी इसी कढ़ाई में जिसमें हमने फिश फ्राई किया है उसमें हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इस रेसिपी में मसाले थोड़े से कम लगते हैं लेकिन तेल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच कलौंजी, साथ में ही डाल देंगे 4 हरी मिर्ची। तो इन मिर्चियों को हमने बीच में से काट दिया है, तो मिर्ची थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो अभी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे लहसुन और अदरक का पेस्ट थोड़ा सा भून चुका है, अभी इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने साबुत जीरे को थोड़ा सा पेस्ट करके इस्तेमाल किया है, तो इससे इस रेसिपी का टेस्ट और भी अच्छा होता है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप लोग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इन मसालों को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। तो अभी इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो अभी इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची का पाउडर और अभी इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चीनी। अगर आप लोगों को तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप और ज़्यादा हरी मिर्चियाँ डाल दीजिएगा, लेकिन मिर्च पाउडर मत इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसमें मसाले कम ही अच्छे लगते हैं। तो अभी इसे हम फिर से थोड़ा सा भून लेंगे। चूल्हे के फ्लेम को इस वक्त बिल्कुल लो पर रखिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो हमारे मसाले लगभग भून चुके हैं, अभी इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 बड़ा टमाटर का पेस्ट ले लिया है और अभी इसे हम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ना रह जाए। तो देखिए टमाटर से और मसालों में से कितना अच्छे से तेल निकल रहा है। अभी इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1/2 कटोरी पानी। तो
पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे अभी फिश को। तो फिश को डाल दिया है हमने, अभी इसे थोड़ा सा पलट देंगे ताकि जो ग्रेवी है अच्छी तरह से फिश के अंदर चला जाए। तो फिश को हमने पलट दिया है, अभी इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अभी ढक्कन उठा लेते हैं और देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा तेल कोई बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे अभी निकाल लेंगे एक प्लेट पर। आप लोग चाहे तो इसे राइस के साथ या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन राइस के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये एक बंगाली डिश है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला तेल कोई का रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।